Hey guys, what's up and welcome back to NFS Unbound. So, पिछले एपिसोड में अपन एक नया कार अनलॉक किया था क्योंकि स्टोरी के हिसाब से 2 ईयर का जंप होता है, गैप होता है एंड उसके बाद जो अपनी कार होती है एंड अपने गराज में जितने भी कार होते हैं वो एक दूसरी गैंग होती है, वो लोग चुरा के भाग जाते हैं। तो फिर अपन को 4-5 खटारा कार दिए होते हैं, उसमें से एक चूज करना होता है। वो तो हर NFS के गेम के स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है कि तुम्हें एकदम स्टार्ट में एकदम बढ़िया कार मिलती है, उसके बाद वो कार के साथ कुछ ना कुछ झोल हो जाता है, फिर तुम्हें एकदम खटारा कार से स्टार्ट करना पड़ता है। एनीवेज, ये कार को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया। अब अपग्रेड करने के बाद अपन फाइनली जो दूसरे रेसर्स है, ए लेवल के रेसर्स, उनके काइंड ऑफ सेम लेवल पे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो ये नया कार अनलॉक करने के बाद जो अपने साथ जो दूसरे रेसर्स थे उनके साथ कॉम्पीट करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। उनकी कार ज्यादा फास्ट लग रही थी, बट मैंने कुछ और रेसर्स वगैरह किए, स्ट्रीट रेसर्स, पैसे कमा के इसको अपग्रेड किया, नया सस्पेंशन, इंजन वगैरह सब कुछ लगा दिया। अब ये तेज चलती है पहले से ज्यादा। उसके अलावा अगर ये गेम के लूप के गेम लूप के बारे में बात करें तो होता ये है कि सैटरडे को एक बड़ा क्वालिफायर इवेंट होता है एंड मंडे टू फ्राइडे तुम्हें रैंडम रेसेस करने होते हैं, छोटे मोटे रेसेस एंड दूसरे जो भी चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी कार डिलीवरी होती है, कभी किसी ड्राइवर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है पुलिस से बचा के। तो ये सब करके तुम पैसे कमा सकते हो, अपने कार को अपग्रेड कर सकते हो एंड सैटरडे को, हर सैटरडे को एक क्वालिफायर इवेंट होता है जो तुम्हारे काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मेन कैंपेन को आगे प्रोग्रेस कराता है। तो ये जो ट्रायल वर्जन है, अपन ट्रायल वर्जन खेल रहे हैं, मैंने पहले एपिसोड में बताया था, तो इसमें क्वालिफायर इवेंट अवेलेबल नहीं है। मैं सोचा था आज के एपिसोड में अपन क्वालिफायर इवेंट करेंगे क्योंकि मैं अभी फ्राइडे पे हूँ एंड सैटरडे पे क्वालिफायर इवेंट था, बट अपेरेंटली लिखा है कि क्वालिफायर इवेंट जब तुम कम्प्लीटली परचेज करोगे तभी अवेलेबल है एंड काइंड ऑफ ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये लोग ट्रायल वर्जन क्यों दे रहे हैं। अगर तुम क्वालिफायर इवेंट वगैरह भी दे दोगे तो तुम काइंड ऑफ कैंपेन का काफी ज्यादा चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो। एनीवेज, आज अपन एक हाई स्टेक्स रेस करने वाले हैं क्योंकि अपन ने गाड़ी अपग्रेड कर ली है, तो अपन ज्यादा बेट करके ज्यादा पैसे वाले भी रेसेस कर सकते हैं, तो उसी में से एक करने वाले हैं एंड जो अपग्रेडेड कार है वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। Like where this is going. You need to step it up if you want to make some waves in the qualifier. Better car, more money. Chop chop, snap snap. You're right. You don't do pep talks. Hey, every manager has to deliver bad news. The good news? Plenty of opportunity to earn before the qualifier. You could deliver the good news with a bit more enthusiasm. So, be your best self. The one you visualize, the one you know you are deep down. Better? Later, Tess. Oh my. Khamba maine dekha nahi. अच्छा, तो इसमें तुम्हारे गाड़ी की एचपी तो नहीं होती है, बट नाइट टाइम में एक इवेंट अवेलेबल होता है जिसमें तुम्हें एक हाई वैल्यू कार जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी वगैरह मिलती है एंड उनका हीट लेवल भी ज़्यादा होता है, लेवल 4-5 ऐसा होता है एंड उसको ज़्यादा ठोके बिना डिलीवर करना होता है पुलिस से बचा के। तो उसमें एचपी ऐसे साइड में लिख के आती है कि अगर तुमने ज़्यादा ठोका तो तुम्हें कम पैसे मिलते हैं, एकदम बिल्कुल ठोके बिना गाड़ी की एचपी ज़्यादा है। अगर गाड़ी की एचपी काफ़ी ज़्यादा है तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसका ये इवेंट का बाई में 6,000 था और फर्स्ट प्राइस शायद 12,000 था। फर्स्ट प्राइज 18 की है। अभी अपन एटलीस्ट इन लोगों के लेवल पे भाग सकते हैं। पहले ऐसा था कि अपनी कार एकदम पीछे ही घूम रही थी। इसमें एक ड्राफ्ट करके एक चीज है, अगर तुम ये बंदे के पीछे खड़े रहोगे, जो भी बंदा तुम्हारा आगे चला रहा है उससे चिपक चिपक के पीछे अगर गाड़ी चलाओगे तो तुम्हें नीचे नाइट्रॉक्स के बाजू में देखो एक ड्राफ्ट करके बिल्ड होगा। तो वो एक चीज एक्चुअली भी रेसिंग में यूज होती है, मुझे पता नहीं था ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने गूगल पे सर्च की, तो वो तुम अपने एडवांटेज पे यूज कर सकते हो। ये पहले जो दो बंदे हैं
पागल ही हो गए क्या, भगा रहे हो? ये बूस्ट जो सामने जो बंदा चल रहा है उससे तो बेट लगाई थी मैंने, तो अगर वो अपने से आगे आया तो फिर उसको 200 रुपये अपन को देने पड़ेंगे, $200। एंड जैसे कि ये हाई वैल्यू रेस है, देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट पे जो है 18 के है प्राइस, तो इस पे जो हीट लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाएगा रेस कम्प्लीट करने के लिए, तो वो एक चीज़ है क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जब तुम नाइट टाइम पे जाते हो तुम्हारे डे टाइम पे हीट लेवल कैरियर होता है। अगर तुम्हारा डे टाइम भी हीट लेवल समझ लो तुम 2 या 3 लेके चले गए नाइट टाइम पे, तो चांस है कि नाइट टाइम पे तुम्हारा हीट लेवल 5 चले गए। मेरा भी 5 हुआ था भाई, 5 में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हेलीकॉप्टर्स रोड पे स्पाइक्स वगैरह आ जाते हैं एंड फिर वो हैवी यूनिट्स आ जाते हैं, जो मतलब अगर तुम कितने भी तेज़ हो जाए वो हैवी यूनिट्स अगर तुम टकरा गए, वो जो मोटे मोटे से कार आते हैं, तुम्हारी स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। ट्रैफिक ज्यादा नहीं लग रहा है क्या इधर? कोई नहीं, अपने पास लीड अच्छी थी। There we go. तो जैसे कि मैंने बताया गाड़ी अपग्रेड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो ये गाड़ी में पिकअप भी नहीं था, टॉप स्पीड भी अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये देखो टीटी यूनिट से तो 2 हो गई, 0 थी। Dispatch, AWD here and ready to assist. AWD is here, you can all relax now. Okay, इतने पुलिस थे यहाँ पे? सब सब अपने पीछे ही पड़ गए क्या? और हीट लेवल 5 तुम्हारा हाईएस्ट है, उसके ऊपर कोई हीट लेवल है नहीं। अब इसमें कोई बाउंटी बाउंटी का सिस्टम नहीं है, एनएफएस मोस्ट वांटेड अगर तुम्हें याद होगा तो उसमें बाउंटी करके सिस्टम था जब तुम पुलिस को भगाते हो, एंड वो मुझे काफी पसंद था वैसे, लेकिन कुछ इसमें है नहीं। इसमें लेकिन पुलिस को ज्यादा देर भगाने से कुछ भी फायदा वगैरह नहीं है, तुम्हें एक्स्ट्रा कैश या फिर और कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो काइंड ऑफ तुम्हारा नुकसान ही है जितने ज्यादा देर तक तुम पुलिस से भागते रहोगे। ओके, तो पुलिस से पीछे छोड़ गया अपन, किधर है अभी? सेफ हाउस में घुसते हैं, एंड अभी वैसे अपने पास दूसरे रेसेस है लेकिन सेफ हाउस में घुसते हैं, देखते कुछ नाइट टाइम वाले इवेंट में दिखा सकते हो। आज का एपिसोड ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहेगा क्योंकि अभी और कुछ आगे करने के लिए है नहीं, ये जो खुले हुए कुछ रेसेस वगैरह अनलॉक पे वही है क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है गेम का। मेन वर्जन में तुम आगे कैंपेन और स्टोरी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। स्टोरी फिलहाल मुझे अभी इंटरेस्टिंग लग रही है जिस हिसाब से स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी मोस्ट वांटेड वगैरह की टाइप की वाइब्स आ रही है, जैसे कि एनिमी गैंग है जिनको तुम एक एक करके हराना है, टॉप तक उनके लीडर तक पहुंचना है, तो काइंड ऑफ वैसा थोड़ा बहुत वाइब्स है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा गेम खेलना होगा। ये काइंड ऑफ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था क्योंकि ये ट्रायल वर्जन था अपना, एंड फिलहाल तो गेम सही लग रहा है। एनएफएस हीट भी अच्छा था, उसके पहले पे बैक इतना खास नहीं था, हीट ठीक ठाक था, ये वाला मुझे हीट से भी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर ग्राफिक्स की बात करो तो आर्केड रेसिंग स्टाइल के हिसाब से ग्राफिक अच्छे हैं, जैसे एनएफएस हीट के ग्राफिक्स थे वैसे ही थे, लेकिन अगर तुम रियलिस्टिक फोर्जा होराइजन वगैरह जैसे देखोगे तो उस हिसाब से तो कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी को फोर्जा होराइजन नहीं खेलना है ना, तो फिर उनके लिए ये अच्छा है। Hey Speedy, I have some good news and some bad news. Does anyone ever just stop it? I have some good news. The good news? Yaz will be at the first qualifier. The bad news? I don't know if she's racing. Might be leaving it to her crew to clean up the competition. You know what? That's so predictable of her. Either way, you still have some time to make hella cash and put it into our ride. Better get on it then. That's my superstar. Always hustling. I'll catch you later tonight. Peace.
सोचो एक बॉडी किट अपग्रेड कर लेते हैं इसका गाड़ी पर. Sounds like Yaz's crew is counting on her to win the grand and put Alex's prize money right back in his pocket. She must be feeling the pressure. Oh, she's trying to impress the wrong people. Her crew doesn't care about her. ये वाला अच्छा लग रहा है कार पर. Money? I see no problem with that. Yes. ये भी अच्छा लग रहा है. I kid. Let's go with car one. वैसे मैं कैश बचा रहा था नया कार लेने के लिए, लेकिन apparently जैसे मैंने बताया अपन कैंपेन आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तो फिर कैश बचा के फायदा नहीं है. इसमें तुम एफेक्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्टाइल में जाके ड्राइविंग एफेक्ट्स, एंड इसमें काफी सारी चीजें हैं. कुछ कुछ लॉक्ड है जो तुम जैसे जैसे चैलेंज कम्प्लीट करोगे अनलॉक होते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफी सारी चीजें अनलॉक भी रहती है. सब ये वाला लगा लिया मैंने, एंड तुम ये ऑफ भी कर सकते हो ऑप्शंस में जाके, लेकिन मुझे जो ये जो एफेक्ट्स है ना वो स्मोक के एफेक्ट्स हो गए जब तुम ड्रिफ्ट कर दो तब के एफेक्ट, एंड जब जंप वगैरह वगैरह लिया है तब जो एफेक्ट्स आते हैं मुझे सही लग रहा है. काइंड ऑफ गेम को थोड़ा सा अलग बनाती है. अगर वो एफेक्ट्स है नहीं तो गेम तुम्हारा मतलब एनएफएस हीट जैसा ही हो गया, फिर तो कुछ भी डिफरेंट है नहीं. Sounds like Yaz's crew is counting on her to win the grand and put Alex's prize money right back in his pocket. She must be feeling the pressure. She's trying to impress the wrong people. Her crew doesn't care about her. They just want the money. Money? I see no problem with that. Yes. My kid. Okay, so nighttime events में एक ऐसा event है जिसपे तुम्हें कोई high value car मिलती है and तुम्हें उसे deliver करना होता है. तुम्हारे पीछे police पड़ी होती है and तुम्हारा जो प्राइस होता है यानी कि जो मनी तुम्हें मिलता है वो उस पर डिपेंड करती है कि तुम कार कैसे डिलीवर करते हो. अगर तुम बिना ठोके डिलीवर करोगे एक भी बार ठोके बिना तो सबसे हाईएस्ट प्राइस मिलता है, एंड उसके अलावा उसके नीचे तीन लेवल्स होते हैं जिसमें अगर तुम बहुत ज़्यादा ठोके करोगे तो बहुत कम पैसे मिलते हैं ऐसे. तो अगर वैसे इवेंट ट्रिगर होता है तो रैंडम होता है, मतलब तुम्हारे जो साथ में जो कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे तुम्हारे फ्रेंड्स वो लोग तुम्हें कॉल करके वो मिशन देते हैं. अगर वो ट्रिगर होता है तो वो अपन करेंगे, वरना एक दूसरा टाइप इवेंट ये हो गया जिसमें ये नहीं एक इवेंट यहाँ पे जो होना चाहिए जिसमें अपनी कार जीत सकते हैं. ये टेक ओवर वाली इवेंट जो है ये बेसिकली तुम्हारे ड्रिफ्टिंग इवेंट्स है जो एनएफएस हीट वगैरह में थे. जो बचे हुए जो तुम्हारे साथ जो दूसरे रेसर्स हैं उन्होंने एक स्कोर सेट किया होता है एंड तुम्हें ड्रिफ्ट करके उस स्कोर को हराना होता है. तो ड्रिफ्टिंग इवेंट तो कुछ इतना खास नहीं है. ये वाला मतलब एक ऐसा इवेंट होता था जिसमें तुम आई थिंक ये वाला है यप. ये देखो ये 12,000 का बाइन है और अगर तुम जीतोगे फर्स्ट प्लेस आओगे तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस वाले को एक नया कार मिलेगा. कार वो जो है लोटस करके जो है वाली कार लोटस. ये शायद दूसरे ये कार दूसरे एनएफएस में भी थी, मैंने कभी यूज नहीं किया बट मुझे नाम सुना लग रहा है लोटस समथिंग करके. छोटा सा कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार टाइप का लग रहा है वो. First qualifier, yes, the car. What's gonna happen on the finale of Dance Pugs? I'm feeling pretty good. Who do you think's gonna win? Me. On Dance Pugs? Tess! Kidding! Just stay focused out there. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Am I the mouse or worm? You know what? I can't. Never mind. Saw it in a fortune cookie. Just be ready. Expect Yaz to pull something tonight. Oh, I'm ready. Believe. Ooh! I can feel the tension building. This is gonna be great. Later, Speedy. Is that the clown we're after? I'm gonna need some backup dispatch. अरे यार इस पुलिस से पीछे छुड़ाना पड़ेगा मुझे. I'll catch this jerk if it's the last thing I do here today. Call the damn chase off. They shook us. So किधर गया अपना चैलेंज ये था. तो अगर तुम्हारे पीछे कॉप्स पड़े तो तुम ये इवेंट्स ट्रिगर नहीं कर सकते और तुम सेफ हाउस में भी नहीं घुस सकते जब तक वो पीछा नहीं छोड़ते तुम्हारा. Thank you.
तो ये स्पाइक्स जो लगाते हैं ना, जो रोड पे जो पाटे लगाते हैं, वो सीधा हीट लेवल 5 पे है। वो एक अच्छी चीज है एनएफएस के दूसरे कुछ पार्ट्स में, वो हीट लेवल 3 वगैरह पे स्पाइक लगाना चालू कर देते हैं। चिपक के खड़े हुए थे जो सेकंड और थर्ड प्लेस वाले थे अपने पीछे। अगर एक भी सेकंड अपन लेट होते ना या इधर उधर ठोकते हल्के से, वो लोग निकल जाते आगे। ओके, न्यू कार अवॉर्डेड। ओके, गैराज में चलते हैं, कार चेकआउट करते हैं जो नया वाला मिला है। देखो अपन जब ये वाले डे पे आ जाते हैं, सैटरडे पे आ जाते हैं जहाँ पे तुम्हारा क्वालिफायर इवेंट होने वाला होता है, तो वहाँ पे ट्रायल तुम्हारा खत्म हो जाता है। तो तुम्हें कीप प्लेइंग ट्रायल वर्जन करके तुम चेकआउट कर सकते हो जो बचे हुए कार्स या फिर कुछ रेसर्स जो तुम्हें नहीं किए होंगे वो सब। रेटिंग 164। ओके, दिखने में अच्छी लग रही है कार ये। जो बॉडी गेट लगा हुआ है वो भी अच्छा है एंड ये स्पीड हंटर्स भी अच्छा है। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं अपन?
Says she got a coke feel, cause I'm so trill. Two dope boys scale, but I so pale. No deal, put her on her feet, toenail. I'm vampires, I'm bloodsuckers, I'm thirsty killers. We bout it, we route it, that pussy miller. No really real, we chillin' chill. Okay, ये गाड़ी का ड्रिफ्ट 40% है, यानी कि ड्रिफ्ट कम करेगा. अच्छा, तुम हैंडलिंग में जाके यहाँ पे ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो. जैसे कि अगर तुम ग्रिप कम बढ़ाते जाओगे ना, तो इसका ड्रिफ्ट करने का चांस कम है. यानी कि ये काइंड ऑफ ब्रेक वगैरह ज़्यादा अच्छे से लगा लेगा, बट जो तुम्हारा ड्रिफ्ट करने का चांस है वो कम हो जाएगा. लेकिन अगर तुम्हें भी ड्रिफ्टिंग इवेंट पे जाना है, तो ये ग्रिप तुम अच्छे से कम कर लो, एंड उसके बाद ये डाउन फोर्स तुम लो कर देना, उससे गाड़ी अच्छी खासी ड्रिफ्ट होगी, बट रेसिंग के लिए अच्छा नहीं रहेगा. अभी तो अपन डिफॉल्ट भी करते हैं, एंड मे बी एक अगर रेस करके देखते इससे कि ये कैसे भग रही है गाड़ी. सो उनको वापस फ्राइडे पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे लॉक्ड है. सैटरडे पे क्वालिफाइड इवेंट होता है. सो कौन सा वाला करे, ये वाला अपन ने किया था आज, ये वाला कर सकते हैं. वो नहीं, बाइन नहीं है मेरे पास, तो 3000 चाहिए. फ्री वाला है क्या? हाँ, ये रहा फ्री वाला, वही करना पड़ेगा. तो क्योंकि एक चीज ये है, इसमें जो रेसेस है, अगर तुम्हें ज्यादा प्राइस पूल वाला रेस जीतना है या फिर खेलना है, उसके लिए तुम्हें बाय इन करना पड़ता है. वो गाड़ी सही लग रही है, इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, जापान का डिजाइन बना हुआ है. You need to step it up if you want to make some waves in the qualifier. Better car, more money. Chop chop, snap snap. You're right. You don't do pep talks. Hey, every manager has to deliver bad news. The good news? Plenty of opportunity to earn before the qualifier. You could deliver the good news with a bit more enthusiasm. So, be your best self. The one you visualize, the one you know you are deep down. Better? Later, Tess. ये टेल लाइट के इफेक्ट्स वगैरह ना बहुत बढ़िया है गेम में. आई थिंक ये लोटस जापानीज कंपनी होगी, तभी इस पे ये जापानीज थीम बना हुआ है शायद. ये जो टेल लाइट के इफेक्ट्स है ना, जब गाड़ी भागती है, बहुत मस्त लगता है. जो मतलब इसमें जो वो वाले इफेक्ट्स है, जैसे कि ड्रिफ्ट करने पे टेल लाइट के इफेक्ट, एंड इधर उधर साइड स्लैम करने पे, उन चीजों पे काम किया है, एंड वो दिखता है, वो काफी मजेदार बना है. ये वाली गाड़ी का रेटिंग अभी भी ज्यादा ही है, बट हम ये वाली अपनी नई है, तो इसको यूज करके देखते हैं. With my mind, I ain't running, running out of time. For real, running, running out of time. सबसे पहले जो कार थी उससे अच्छी लग रही है देखने में. ओह शिट, ये गाड़ी टर्न करने में हार्ड होगा. यस, अरे व्हाट द हेल, वो अनब्रोकेबल था क्या? अरे ये गाड़ी का ग्रिप ज्यादा है ना, इसलिए ये टर्निंग में थोड़ी दिक्कत देगी. ग्रिप वगैरह अगर कम कर दूं मैं तो मे बी दिस कैन वर्क. Okay,
ये किधर आ गए थे? गाड़ी फुल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। गाड़ी फुल 360 आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी उधर। गलत टाइम पे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल गई। अपन सेकंड चल रहे थे। उधर मुझे पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे लग रहा है अपन पूरा 360 घूम के गाड़ी उल्टी गिर गई ऐसा लगे। एनीवेज अपन फोर्थ है, वो जिससे शर्त लगाई थी वो बंदा आगे निकल गया। बूस्ट और कोई टाइप का रेस में भी ट्राई करके देख सकते हैं। आई थिंक ये वाला जो रेस अपन ने किया था, ये वाले जो थे ये ऐसे शार्प मतलब कॉर्नर वॉर्नर पे टर्न करने वाले टाइप की थी, तो थोड़ी सी ड्रिफ्ट वाली कार होती तो अच्छा होता। कोई स्ट्रेट रोड वाला रेस है क्या देखता है? ये नहीं, वो तो रेस के लिए टीयर वाली गाड़ी चाहिए, अपनी ए टीयर वाली है तो वो नहीं कर सकते। अपने पास 3000 भी नहीं है बाय इन करने के लिए। बी टीयर कुछ कर नहीं सकते अपन, कोई भी रेस अभी अवेलेबल है नहीं अपने पास करने के लिए। नो, कुछ चैलेंज है, इवेंट्स है क्या कुछ? ये तो रैंडम वाले ये हमेशा रहते हैं वो वाले। कुछ साइड मिशन आते हैं जो अपने गेम के जो दूसरे कैरेक्टर्स है वो अपन को देते हैं वो, लेकिन कभी भी ट्रिगर हो सकते हैं, वो अपने मर्जी के ऊपर नहीं है। उनका कॉल आता है एंड फिर एक टाइम लिमिट रहता है, अगर तुम वो टाइम लिमिट के अंदर वो वाला मिशन एक्सेप्ट करोगे तो तुम वो मिशन कर सकते हो। ऐसा वो सीम्स लाइक कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए। एनीवेज एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप करते हैं। ये NFS Unbound का आखिरी एपिसोड है, इस पे और एपिसोड तो आने वाले हैं नहीं, अनलेस अगर मैं इन फ्यूचर में ये गेम, जब मुझे लग रहा है ये प्ले पे आगे 6 महीने के बाद कुछ ये गेम फ्री हो जाएगा, ऐसे NFS हीट हो गया था तो तब अगर मैं इसे वापस खेलूंगा तो तब मैं और वीडियोस बना के डालूंगा। बाकी अगर गेम के हिसाब से बात करूँ, NFS हीट एंड पुराने जो NFS थे वो जिनको अच्छे लगते हैं उनको ये वाला भी NFS अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें उस टाइप के जैसे Forza Horizon गेम्स है वैसे टाइप का थोड़ा रियलिस्टिक ड्राइविंग एंड पार्ट्स अपग्रेड का वगैरह ज्यादा पसंद है तो ये तुम्हें मे भी उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इसके ड्राइविंग मैकेनिक्स भी वैसा नहीं है, मतलब उतना हार्ड नहीं है कंट्रोल करना जैसे उसका था। इसका मतलब अगर तुम टैप करते रहोगे तो इसमें तुम्हारा ड्रिफ्ट हो जाएगा, अगर तुम ब्रेक ट्रैप करते रहोगे तो उसमें वैसा नहीं है। उसमें तुम्हें Forza Horizon में और भी काफी चीजें वगैरह देखनी पड़ती है गाड़ी में अपग्रेड करने के। बाकी इसकी स्टोरी जो है, स्टोरी फिलहाल तो अभी तक ठीक ठाक लग रही है, ज्यादा स्टोरी अपने एक्सपीरियंस किया नहीं, एक स्टार्टिंग का छोटा सा इसे एक्सपीरियंस किया, बट जिस हिसाब से इसने कैरेक्टर्स बनाए हैं एंड स्टोरी जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सब सही लग रही है। बाकी गाड़ियाँ मुझे लग रहा है Forza Horizon में आपको ज्यादा गाड़ियाँ थी, बट इसमें जो अवेलेबल कार्स है वो अच्छी है, जो भी लॉक्ड वाली कार्स वगैरह है वो सब, मतलब बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, जो भी तुम लोग को चाहिए मेन गाड़ी वो सब इसमें है। उसके अलावा अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात करें जो 3.5K है वो मुझे ज्यादा लगता है, तो उससे अच्छा तो मुझे लग रहा है तुम ये प्ले पे, अगर तुम ये प्ले का एक अलग से सब्सक्रिप्शन आता है जिसमें अगर तुम ये प्ले प्रो करके एक सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हो, जो 999 पर मंथ पड़ता है तुम्हें, और उसमें तुम ये नया गेम यानी कि जो डे वन रिलीज हो रहा है वो भी तुम फुल अनलिमिटेड खेल सकते हो। यानी कि मेरा ये तो ट्रायल वर्जन था क्योंकि मैं गेम पास के एक्सेस से खेल रहा था, बट ये प्रो तुम लोगे तो 999 में तुम्हें एक मंथ ये गेम मिल जाएगा, एंड मुझे नहीं लगता एक मंथ से ज्यादा लगेगा तुम्हें NFS Unbound कंप्लीट करने में। तो एनीवेज या तो तुम वैसा खेल सकते हो या फिर तुम 6 मंथ्स वेट करने के बाद जब तुम्हारा EA प्ले पे फ्री हो जाएगा गेम, यानी कि तुम्हारे पास अगर Xbox सब्सक्रिप्शन रहा तो भी तुम खेल सकते हो, तो तब खेल सकते हो। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि 3.5K दे के तुम ये लो, अनलेस तुम एकदम हार्डकोर नीड फॉर स्पीड फैन हो तो ले सकते हो, क्योंकि गेम में कोई ऐसा ग्लिचेस एंड बग्स वगैरह ये कोई बुराई नहीं है। तो गेम बे इन मतलब ऐसा सॉलिड गेम है, लेकिन वही बता रहा हूँ कि अगर तुम NFS हार्डकोर फैन हो तो ही लो, नहीं तो फिर मत लो। एनीवेज सेव अस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अ न्यू गेम। दूसरी सीरीज वगैरह चल रही है चैनल पे, जैसे ईवल वेस्ट चल रहा है, प्लेग टेल भी अभी अपन कंटिन्यू करने वाले, बीच में रोक के रखा था एक दो एपिसोड नहीं 6 एपिसोड के बाद, लेकिन अपन वो भी आगे कंटिन्यू करने वाले। उसके अलावा वॉरहैमर 40K करके एक नया कोऑप गेम आया है, कोऑप यानी कि तुम मल्टीप्लेयर खेल सकते हो 4 प्लेयर्स के साथ, वो भी सही लग रहा है, वो भी अपन चेकआउट करेंगे।
Anyways, see you guys in the next episode of a new game. Till then, take care and bye-bye.